हेलो, वेलकम बैक टू निशोज लाइव ब्लॉग। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है कि आज क्या 3-4 दिन से पहले से ही पता हो रहा था। मैम लोग इनको मैसेज कर रही थी, इनको बताया है, हम लोगों को भी बताया है, पेरेंट्स को, कि अभी कल से स्कूल खुल रहे हैं। कल यानी 6 तारीख से, 6 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। तो बस ये अभी उसी की याद से हमने तैयारी शुरू की है। तैयारी क्या, कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म वगैरह जो भी था ना, अभी 1 तो 1.5-2 साल होने को आया तो क्या होता है ना, सब एक जगह रख दिया था, फिर उनको कैसे निकाला है, फिर उनकी धुलाई वगैरह हुई है जो भी है, क्लीनिंग सारा करने के बाद अभी मैं ना बस इनका यूनिफॉर्म वगैरह है जो आज सारा रेडी कर रहे हैं, और वो भी अपना सब बिज़ी हुई हैं, जो भी उनकी बुक्स वगैरह हैं, उनके पेंसिल बॉक्स जो भी है सारा, और काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बोल रही हैं अभी कैसे क्या होगा मम्मा, थोड़ा सा डर लग रहा है, बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। तो बस अभी मैंने बोला अभी चेंज तो होगा और पहले से बहुत कुछ चेंज होगा, पर क्या होता है ना, 1-2 दिन थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद फिर से आपको वही डेली रूटीन में आ जाओगे, आपको पुराने जैसा ही सब कुछ रहेगा। फ्रेंड्स तो आपके सारे वही हैं, बस वही है, थोड़ा कोविड की वजह से कुछ चीज़ें होंगी जिनको ध्यान में रखते हुए स्कूल में मतलब हो रहा है ना, जैसे कि गाड़ी में भी जाएंगे तो उसका भी होगा कि नहीं इतनी दूरी पर बैठना है, इतना एक गाड़ी में इतने ही बच्चे होंगे, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। बाकी क्लास में बाकी और ज़्यादा कुछ तो चेंजिंग नहीं होंगी। हाँ ये है, इतने दिन बाद जा रहे हैं तो थोड़ा सा होता है कि कैसे होगा क्या होगा, और बच्चों को भी ना घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस की आदत हो गई थी, फटाफट अपना सुबह में क्या होता था ना, थोड़ा लेट भी उठे तो कोई नहीं, कौन सा मैम आके कुछ बोलने वाली हैं, अपना मुंह थोड़ा सही कर लिया और बैठ गए और जो बहुत सारा ना मस्ती था इन लोग का, बहुत ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या था, कुछ नहीं था इन लोगों के लिए, आराम से उठते थे। अगर 8 बजे की क्लास है ना तो 7:30 तक भी उठ जाते थे ना, तो आराम से हो जाता, 7:40 पे भी उठे तो इनका आराम से हो जाता था कि नहीं कोई नहीं अभी मैं कर लूँगी, तो बस अपना मुंह सही कर लिया जितना दिख रहा है और उसके बाद बस बैठ गए क्लास में। पर अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जो है आपको स्कूल के लिए प्रॉपर टाइम से उठना पड़ेगा। बहुत बारिश है फ्रेंड, बहुत बारिश है। इसको मैंने धोया था सुखाने के लिए, तो इसको मैं अंदर कर लेती हूँ। तो बंद कर देती हूँ, बहुत मच्छर आते हैं, बहुत। इधर रख दी हूँ लेकिन उठा लो आप। इनके सूज धूप में रखे थे हम लोगों ने, उसको पॉलिश वगैरह करके, तो ध्यान नहीं रहा, देखते गीले हुए कि रह गए, बच गए, थोड़ा थोड़ा सा गीले हो गए। मेरा बैग लग चल रहा है, ये अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। तो आप खुश हो या दुखी हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत, पर टेंशन भी है सिर्फ सामने से।
ऐसे रखती हूँ ना, तो आराम से आप सबसे बातें भी होंगी और हमारी चाय भी होगी। चाय मैंने बनाई है। और चाय मैं ना इनके कपड़े वगैरह कर रही थी, निकाली फिर उनको प्रेस वगैरह की हूँ, धुलाई करके प्रेस करके रख दी हूँ। तो मैंने बोला थोड़ी सी चाय आप बना दो, तो हमारी बिटिया रानी हमारे लिए चाय बना के लाई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय बनाने के लिए। इनको चाय बहुत, शुरू में थोड़ा नखरे करती थी और अभी जब से आदत हो गई ना, अच्छे से बनाती हैं, बहुत टेस्टी चाय बनाती हैं। और प्यार के साथ साथ ना बहुत कुछ उसमें ट्राई करती रहती हैं कि अच्छा बनाओ, तो मम्मा खुश होगी। कभी तुलसी की पत्ती वगैरह भी लेके आएंगी ना तो डालती है, सच में बहुत अच्छी बनती है। हम लोग बनाते हैं ना तो फिर फटाफट अपना अदरक डाल लिया जो भी हो गया, पर ये बनाती है ना तो मम्मा को अच्छा लगे ना, इस वजह से वो बहुत कुछ डर करती हैं। इलायची वगैरह डालती है ना तो सच में चाय अच्छी लगती है। और आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है दोपहर से। आज मैंने ना, आज संडे था तो लेट उठी, और लेट भी इतना उठी हूँ कि फिर चाय पीने का टाइम नहीं मिला। तो आज ना सर बहुत भारी हो रहा है मेरे को, मतलब वो नशा जैसा है मेरे को। क्या आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब चाय ना पिए तो बस हो गया? तो आप सब बताएं आप सबका कैसा क्या है। बारिश हो रही है फ्रेंड, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी बारिश की वजह से ना, पता नहीं साउंड ऐसा हो रहा है। तो आइए आप सब भी इंजॉय कीजिए चाय। तुलसी की पत्ती वगैरह डालिए। और आज अंश ने ना अपना टीचर्स डे का कार्ड उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो देखिए आप सब। उनकी दीदी ने उनकी हेल्प की है, अकेले का बनाया हुआ नहीं है। इस तरह से मैंने डब्बे रखे हुए हैं ये, तो मैं ना इसमें ना, ऐसे तो ये दूध के लिए दिख रहा होगा पर मैं ना इसमें ना चीनी वगैरह रखती हूँ। तो आज मैंने धोए थे इसी तरह से, मेरे पास दो हैं, तो एक में ना मैं गुड़ रखती हूँ। और पता है आपको, मैं अभी ना कुछ टाइम से, एक महीना से ऊपर हो गया है, मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। मुझे गुड़ की चाय अच्छी लगती है और अच्छी लगती है, बहुत टेस्ट लगती है। शुरू शुरू में ना बना नहीं पाती थी, फट जाती थी वो। अभी तो मैं भी बना लेती हूँ और मेरी बिटिया भी बना लेती है, और वो मुझे गुड़ की ही बना के देती है। और आज नहीं बनाई है, आज चाय चीनी की ही बनी हुई है, क्योंकि आज क्या हुआ ना, चीनी इसमें से ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको धो के रखा था बाहर सूखने के लिए। तो देखो ना फ्रेंड, फिर ये गीला भी हो गया है, अंदर तो सूख गया है पर ऐसे गीला हो गया है। तो आप सब बोलेंगे क्या गुड़ की चाय पीते होंगे, आप सब ने पीते होंगे। हमारे यहाँ सर्दियों में ना मेरी दादी वगैरह पीती थी, और थोड़ा चीनी को साइड रख के गुड़ की चाय कभी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। बस वही बनाई हूँ आज तो, खैर चीनी। तो फ्रेंड्स, किस किस की तीज की शॉपिंग हो गई है बताइएगा, हमारी अभी नहीं हुई है। आज हमारा बहुत बहुत प्लान, बिल्कुल पूरा प्लान बना था कि आज हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे तीज की, पूजा की, और अपने लिए भी जो भी है। तो आज हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई है क्योंकि भगवान जी एकदम से बारिश लेके आ गए हैं। अभी ये बारिश बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है, अभी टाइम भी हो रहा है, तो अब आज तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब भी जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तीज की शॉपिंग हो गई नहीं हुई। और आप लोग में तो बहुत लोगों ने जो कजरी तीज बोलते वो अलग आप लोगों ने फास्ट किया था, और बहुत लोग होंगे जो ये हरियाली तीज करेंगे, जो हम लोग अभी गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आती है ना, गणेश चतुर्थी के पहले एक दिन, तो वो हम लोग करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करते होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है, मार्केटिंग आप लोगों ने की है, अभी नहीं की है, हमारी अभी नहीं हुई है, और देखो कैसे क्या होता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा बाहर भी निकलने के लिए प्रॉब्लम होता है, इधर से जाने वाने का थोड़ा सा पंगा होता है। तो सोच रही हूँ कि एक दिन निकलूँ तो सारे काम अपने करके आऊँ। और साड़ी वगैरह तो मैंने ले रखी है, ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट हो गया है, बस मेरा जो ज्वेलरी का है थोड़ा बहुत वो सब रह गया है, और पूजा का सामान, मेन पूजा का सामान है। तो जब भी मैं शॉपिंग करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैंने अपना तीज में क्या क्या ख़रीदारी की है। तो फ्रेंड आप सब बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे जो भी हमारे ब्लॉग हैं, हमारे वीडियोस हैं, आप उनको फुल वॉच कीजिए। अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करने जैसा है तो ही कीजिए, नहीं तो कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए और हमारा ऐसे ही हौसला आप बढ़ाते रहिएगा।
हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ नया लाने की, कुछ नए वीडियोस लाने की। और चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।